टॉप फोर बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 11,000 रुपीज। तो हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गैजेट्स दुनिया पर। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने स्मार्टफोन को अपग्रेड करने वाले हैं या फिर कोई सा एक न्यू स्मार्टफोन परचेज करने वाले हैं और आपका जो बजट है वो 11 से 12,000 रुपीज तक ही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपकी नीड, आपकी यूजर्स के बेसिस पर हमने टॉप फोर स्मार्टफोन्स को सेलेक्ट करा है, जिनमें आपको एक 5G स्पेसिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है और दो स्मार्टफोन्स ऐसे हैं जिनमें आपको 4G कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। सो आप अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। सो प्रॉपर पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के भी अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में, तो हमने रखा है अपने लिस्ट के फर्स्ट नंबर पे पोको की तरफ से आने वाला पोको M6 Pro 5G स्मार्टफोन। और यह स्मार्टफोन आपको अंडर 11,000 रुपीज देखने को मिल जाता है विद 5G कनेक्टिविटी। तो जिनको भी 11,000 के बजट में 5G स्मार्टफोन बाय करना है, वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2.2 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अलावा आपको 4GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 64GB की इनबिल्ट मेमोरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की एक काफी बढ़िया बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। सो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर काफी पावरफुल स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं और बैटरी भी आपको यहाँ पे काफी जबरदस्त देखने को मिल जाती है। सो आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं अगर आपको इस बजट में एक पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो। इसके अलावा अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर भी काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पर 6.79 इंचेस का एक IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि 1018x2460 पिक्सल्स का है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 396 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करता है। इसके साथ साथ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है एंड प्लस 90Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो जब भी आप इस स्मार्टफोन में कुछ भी स्क्रॉल करोगे या कुछ भी यूज करोगे, तब आपको यहाँ पर काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफ फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको 50MP प्लस 2MP का डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और जब भी आप इस कैमरा सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो आप यहाँ से मैक्सिमम 1080p में 30fps पर अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए, तो 8MP का आपको एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है और आप सामने की तरफ से भी काफी बढ़िया फोटोग्राफी और वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो ये तो हमारी लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स। अब बढ़ते हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों, सेकंड नंबर वाला जो स्मार्टफोन है वो हमने रखा है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो G42 4G स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन आपको 11,000 रुपीज के प्राइस रेंज में आराम से देखने को मिल जाएगा। सो जिनको भी मोटोरोला की तरफ से आने वाला कोई स्मार्टफोन चाहिए, वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। बट हाँ, याद रखिएगा, आपकी ये एक 4G स्मार्टफोन है। तो अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के तौर पर बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का एक 4G प्रोसेसर, जो कि 2.4 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और यहाँ पर आपको 4GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 64GB की इनबिल्ट मेमोरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की एक बढ़िया बैटरी भी देखने को मिल जाती है, जो कि 20W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलती है। सो हाँ, बैटरी के तौर पर भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के तौर पर 6.47 इंचेस का एक काफ़ी बढ़िया AMOLED पैनल स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि 1018x2400 पिक्सल्स की है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 411 PPI पिक्सल डेंसिटी पे वर्क करती है। सो यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस स्मार्टफोन। सो आप इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको स्पेसिफिकेशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफ फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50MP प्लस 8MP प्लस 2MP का ट्रिपल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो आप यहाँ से मैक्सिमम फुल HD में अपनी वीडियोस को 30fps में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए, तो 16MP का आपको एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है। सो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के सेकंड नंबर वाले स्मार्टफोन में। तो अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन की तरफ। और थर्ड नंबर वाला जो स्मार्टफोन है वो अभी रिसेंटली ही Xiaomi की तरफ से आया हुआ है, जो कि है Xiaomi Redmi 12 4G स्मार्टफोन। और इसका एक 5G वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाता है, जो अराउंड 12 to 13,000 रुपीज़ की बजट रेंज में आपको देखने को मिलता है।
सो अगर आपका उतना बजट है तो आप उस स्मार्टफोन को भी बाय कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें 4G वेरिएंट के प्राइसिंग की, तो यहाँ पर आपको इसकी प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी अंडर 10,000 रुपीज़। और अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें, तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशंस के तौर पर परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक हीलियो G88 का चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 2 GHz पर क्लॉक्ड एक ऑक्टोकोर प्रोसेसर है। और यहाँ पर आपको 4GB का रैम सपोर्ट एंड प्लस 4GB की वर्चुअल रैम सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको 128GB की इनबिल्ट मेमोरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड अगर बात कर लें वहीं पे इस स्मार्टफोन के बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको 18W का चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर भी आपको बैटरी स्पेसिफिकेशंस लगभग पिछले स्मार्टफोन्स की तरह ही देखने को मिलती है। एंड अगर वहीं पे बात कर लें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो डिस्प्ले के तौर पर आपको यहाँ पर 6.79 इंचेस का एक IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, जो कि सेम 1018x2460 पिक्सल्स का है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है वो 396 PPI पिक्सल डेंसिटी भी वर्क करता है। यहाँ पर भी आपको जो कंटेंट कंजम्पशन का जो एक्सपीरियंस रहेगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा, बिकॉज यहाँ पर आपको पिक्सल्स काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो जब भी आप स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तब काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस आपका रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स की, तो वो भी काफ़ी कमाल के देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पर भी 50MP के प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल लेयर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें 8MP का सेकेंडरी कैमरा और प्लस 2MP का एक थर्ड आपको यहाँ पे कैमरा देखने को मिलता है। और जब भी आप इस कैमरे सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो आप यहाँ से मैक्सिमम 1080p में 30fps पर अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने वाले सेंसर की बात करी जाए तो 8MP का आपको एक सामने की तरफ भी सेंसर देखने को मिल जाता है। सो हाँ, ये कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हमारी लिस्ट के थर्ड नंबर वाले स्मार्टफोन में। और ये स्मार्टफोन बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ देखने को मिलता है। सो जो भी 4G वेरिएंट के साथ जा सकते हैं वो लोग इस स्मार्टफोन को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के लास्ट एंड फाइनल स्मार्टफोन की तरफ, और वो स्मार्टफोन भी एक 5G डिवाइस है। सो जिनको भी एक 5G डिवाइस लेना है वो लोग इस स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। तो लास्ट वाला स्मार्टफोन हमारा निकल के आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स हॉट 20 5G स्मार्टफोन। और अगर इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग की बात करी जाए, तो ये स्मार्टफोन भी आपको 11,000 के रेंज में आराम से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस के लिए मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का 2.4GHz पे क्लॉक्ड एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि 4GB रैम सपोर्ट एंड प्लस 3GB वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको 64GB की इनबिल्ट मेमोरी भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। एंड अगर बात कर लें वहीं पे बैटरी स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो 5000mAh की आपको यहाँ पे बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जाएगी, जो कि नॉर्मली 18W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलेगी। सो बैटरी के तौर पर तो लगभग सभी स्मार्टफोन के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो एकदम सेम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको 6.6 इंचेस की एक काफ़ी बड़ी IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि 1018x2408 पिक्सल्स का है। इसके अलावा आपको पांडा ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है एंड 120Hz का रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो पिछले स्मार्टफोन के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस फील होगा जब भी आप अपने स्मार्टफोन को यूज़ करोगे। एंड अगर वहीं पे बात कर लें इस स्मार्टफोन के फोटोग्राफी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको 50MP के प्राइमरी सेंसर के साथ डुअल रियर कैमरा सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड जब भी आप इस कैमरा सेटअप के साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करने जाएंगे, तो आप 1440 पिक्सल्स में अपनी वीडियोस को इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सामने की तरफ आपको 8MP का एक सेंसर देखने को मिल जाएगा। सो ये कुछ कैमरा स्पेसिफिकेशंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेंगे, और ये रहे हमारे लिस्ट के टॉप 4 स्मार्टफोन्स जिन्हें आप 11,000 रुपीज़ के प्राइस रेंज में आराम से बाय कर सकते हैं। आप इन चारों स्मार्टफोन में किसी भी स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप 11,000 रुपीज़ की प्राइस रेंज में एक स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं, तो ये 4 स्मार्टफोन तो आपकी विश लिस्ट में होने ही चाहिए। सो आप अपने बजट और ब्रांड के अकॉर्डिंग किसी भी स्मार्टफोन को बाय कर सकते हैं। चारों स्मार्टफोन बेस्ट स्पेसिफिकेशंस और बेस्ट प्राइसिंग के साथ आते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो या कुछ भी आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो, तो इस वीडियो को सिंपली कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले ऑनलाइन टेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए राधे राधे।